माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित सभी मीडिया में, भारत सरकार द्वारा 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी की। इस अधिनियम के तहत 2024 में नियम लागू किए गए और उन नियमों के लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार नागरिकता प्रमाण पत्र आज 3 आवेदकों को माननीय मुख्यमंत्री के कदमों से प्रदान किया जा रहा है। इस नियम के बारे में थोड़ा सा मैं बिंदु देना चाहूंगी सर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 3 शर्तें आवश्यक हैं। पहला तो आवेदक को अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से प्रवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि ये आवेदक को किसी 6 कम्युनिटी हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई या सिख, इसमें से किसी एक समुदाय का होना चाहिए और प्रवासी का भारत में आगमन है वो 31 दिसंबर 2014 से पहले का होना चाहिए। जो इन शर्तों को पूरा करते हैं तो उन आवेदकों को कुछ सुविधा दी गई है कि वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। और इसमें सर जिला स्तरीय एक समिति है, वो परीक्षण करके राज्य स्तरीय समिति को अग्रेषित करती है और राज्य स्तरीय समिति परीक्षण उपरांत वो प्रमाण पत्र जारी करती है। आज पहला प्रमाण पत्र सर आपके माध्यम से कर्तव्यों से जारी किया जा रहा है। वही बात पूरी जी सर, ये कौन से आए, कहाँ से आए, इनके बारे में तो बताओ सर। ये सर जो सर ये दो आवेदक हैं, समीर मेलवानी और संजना सेलवानी, दोनों भाई बहन हैं। ये सब पाकिस्तान में इनके पिताजी का जन्म हुआ था और ये 2012 से अपने पिता के साथ यहाँ पर आ गए हैं। और सर इन्होंने मई में अप्लाई किया था ऑनलाइन और जून में इनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ बन गई है सर ऑनलाइन अप्लाई करने से। आपने सर राखी दास, आप बांग्लादेश के पासपोर्ट पर से यहाँ आई हैं और आपको आज ये सर्टिफिकेट सर यहाँ दिया जा रहा है। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई का निराकरण करके एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जो अखंड भारत की याद दिलाता है। ये 47 के पहले तत्कालीन सरकार के द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में हमारे सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे, इस भाव के आधार पर कई सारे बंधु, खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इस भरोसे से उस देशों में रह गए जो भारत के अलावा भारत के पूर्व हिस्से हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहते हैं। और काल के प्रवाह में जैसा कि आशंका थी, उस आशंका के कारण से बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए। और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा है। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहां रह गए थे, लेकिन जो बनी हुई सरकारें, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की हो, ये वो उनकी सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं कर पा रही। ऐसे में आपने कोई किसी का घर गांव छोड़ना बहुत कठिन जाता है, लेकिन ये हमारे लिए, भारत के लिए एक तरह से थोड़ा ये उदार मन का भाव जरूर दिखाई देता सबके बीच, लेकिन ये अच्छा भाव ये कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं ये अपना धर्म बचाने के लिए, क्योंकि मूल रूप से अगर ये धर्म बदल ले तो वहीं रह सकते, लेकिन ये केवल अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे,
उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दो भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्यप्रदेश का हिस्सा बन रही है, और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए, आपको मिल रहा है। मध्यप्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा, और आप मध्यप्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें, ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूं। मैं आपका स्वागत करता हूं। समीर मेरे वाह समीर, बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत अच्छा। ये पहला सर्टिफिकेट समीर मेलवानी, दूसरा सर्टिफिकेट संजना मेलवानी, और तीसरा सर्टिफिकेट राखी दास। राखी दास आई आई वाह, बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं स्टेज ग्रुप में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉइन कर रहा हूं। क्या बात है, फादर है सर, ये पाकिस्तान से ही आए थे, और ये बताना अगर कुछ चाहें तो आप इनको दे। सर प्रदीप कुमार मेरा मेलबर्न में हूँ, और मैं 2012 से यहाँ पे, इनकी तो सुन लेना जिनके कारण कार्यक्रम हुआ। एक्चुअली सर 2012 में हम आए थे, उसके बाद तो मैंने के पास जी 2012 में हम आए थे, उसके बाद हमने प्रक्रिया 7 साल के बाद अपनी शुरुआत की। तो उसके बाद 2 साल अपने को नेशनल में लग गए। अभी जो मोदी जी ने जो अभी 2015 से हमारे लिए जो सरल किया, यानी अपने को तो आधार कार्ड भी नहीं बनाना था, तो उसी वजह से क्या है सर, बिजनेस भी नहीं कर सकते थे ना बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे। तो मोदी जी की वजह से 2015 से इनके आधार कार्ड भी बन गए, अपना काम भी हो गया, और प्लस में अभी जो ये प्रक्रिया जो शुरू की गई है, ये तो ऐसे समझे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो मैं तो इसके लिए सर धन्यवाद कहूँगा मोदी जी का, और सीएम जी का, और सारे ऐसे समझे डिपार्टमेंट का, पोस्ट ऑफिस, प्लस में सारी प्रक्रिया हो रही है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया मेलवानी जी, आप अच्छा बोले। आमतौर पे बोल नहीं पाते, माइक के सामने लोग डर जाते हैं।